A place that's all about adventures. A place where I used to go with my gang of last ventures. Rafting, camping, bonfire, and friends. Where we all wished this trip never ends. Now, after so many years, I'm back to the same place. Nothing has changed, except my pace. So I chose to slow down and unwind, and give some rest to my mind. Listen to sounds of nature instead of Pink Floyd, and made it a trip where I did nothing yet enjoyed. So guys, we are back from the riverside. मैं और तन्वी यहाँ पे walk करने गए थे and it was amazing. बहुत अच्छा walk था. और वहाँ पे हम लोग गंगा जी में पैर डिप करके बैठे हुए थे. इतना सही एक्सपीरियंस था. मन नहीं हो रहा था वहां से उठने का, बट वी हैड टू कम बैक. और वन मोर थिंग विच आई फॉरगॉट टू टेल यू, इनके जो होटल के रूम्स हैं दोज आर डिफरेंट, एंड इनके जो लग्जरी अपार्टमेंट्स हैं दोज आर डिफरेंट, बट एक ही प्रिमाइस में है. सो अगर आप होटल के रूम्स में रहते हो तो ऑब्वियसली बाहर का खाना अलाउड नहीं होता, बट अगर आप लग्जरी अपार्टमेंट्स में रहते हो सो यू कैन ऑर्डर फ्रॉम स्विगी. आप बाहर से ग्रोसरीज लाके यू कैन इवन कुक फॉर योरसेल्फ. जैसे हमने ब्रेकफास्ट अपने लिए कुक किया था, रात में मैगी वगैरह हमने बनाया था, एंड अभी थोड़ी देर पहले हम लोगों ने लंच जो ऑर्डर किया वो स्विगी से करा. सो ये ऑप्शन यहाँ पे अवेलेबल है. एंड दिस ट्रिप इज मोर, मेरा जनरली जब भी पहले जो ट्रिप्स रहे थे ऋषिकेश के वो एडवेंचर ट्रिप्स रहे थे, बिकॉज आई यूज टू कम विद माई कॉलेज गैंग और यहाँ पे हम लोग राफ्टिंग और कैंपिंग के लिए आते थे. बट दिस ट्रिप इज वेरी डिफरेंट बिकॉज इस ट्रिप में ना मैं राफ्टिंग कर रही हूँ, ना कैंपिंग कर रही हूँ, ना बंजी कर रही हूँ. बंजी मैंने कभी करी भी नहीं है, हिम्मत भी नहीं है फिलहाल करने की. हिम्मत कभी आएगी आई माइट गो फॉर इट. लेकिन ऐसी कोई एडवेंचर एक्टिविटी मैं नहीं कर रही हूँ इस बार. इट्स ऑल अबाउट रिलैक्सेशन दिस टाइम, सो आई एम जस्ट हेयर टू रिलैक्स. कभी हम बालकनी में पड़े हुए हैं, व्यू देख रहे हैं, वी हैव बुक्ड अ स्पा फॉर आवरसेल्व्स. सो हम लोग यहाँ पे सिर्फ और सिर्फ एंजॉयमेंट और रिलैक्सेशन के लिए आए हैं, क्योंकि एट टाइम्स यू नीड सर्टेन ट्रिप्स जहाँ पे आपको कुछ ना करने को रहे, मतलब कहीं घूमने नहीं जाना. वी आर नॉट हेयर टू एक्सप्लोर कैफेज या ऋषिकेश का जो भी और अट्रैक्शन है. गंगा आरती हमने अटेंड करने जाना था त्रिवेणी घाट पे, वो भी हमने कैंसिल कर दिया क्योंकि हम इतना आलस फैलाए हुए हैं यहाँ पे, और क्योंकि हमने कहीं नहीं जाना. मतलब हम ये जगह छोड़ के कहीं हिलने की भी नहीं सोच रहे हैं, बस इसके आसपास के कुछ 50 मीटर के रेडियस पे जो है वहां तक पहुंच जाएंगे, उससे आगे हम हिल नहीं पा रहे हैं क्योंकि इतने ज्यादा हम रिलैक्सेशन मोड में आए हुए यहाँ पे. सो इट्स गुड टू हैव सच ट्रिप्स समटाइम. सो दिस इज वन ऑफ दोस ट्रिप्स जहाँ पे हम सिर्फ रिलैक्स करेंगे. My day has come to an end. बहुत ही relaxing chilled out day था मेरा, and after a very long time मेरा ऐसा vacation रहा है जहां मैंने कुछ नहीं किया, मैं बस पड़ी रही हूँ most of the time मैं पड़ी रही हूँ. So अभी I went to get a spa. यहाँ पे तत्वा spa है जो बहुत अच्छा है, and कल हम लोग check out कर रहे हैं. So ये मेरा इतना ही trip था, फ्राइडे आना एंड संडे चले जाना. बट ये पूरा जो ट्रिप था इसने इतना रिजुविनेट कर दिया है कि मैं क्या ही बताऊं. तो अब बताने के लिए कुछ भी नहीं है. सो आई एम गोइंग ऑफ टू स्लीप एंड आई विल सी यू गाइस टुमारो. बाय. सो नाउ वी आर जस्ट वेटिंग फॉर आवर कैब, एंड इनिशियली हमारा टिकट था जो कन्फर्म नहीं हुआ था. शाम की ट्रेन का टिकट था जो हमें कन्फर्मेशन उसका मिला नहीं. सो वी बुक्ड अ टैक्सी फ्रॉम ऋषिकेश टू दिल्ली. सो अभी हम ओला से जा रहे हैं पूरा दिल्ली तक. सो सी यू गाइज इन माई नेक्स्ट व्लॉग वेरी सून. बाय.